अक्सर दोस्तों हम देखते हैं कि जो हम अपने टेरेस पे गमलों में पौधे लगा रखे होते हैं तो उनकी ग्रोथ अचानक रुक जाती है या फिर वो बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहे होते हैं। जब भी मैं टेरेस गार्डन करता हूँ, अपनी छत पर मैं सब्जियाँ उगाता हूँ, फल फ्रूट उगाता हूँ गमलों में, तो अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके होंगे कि मैं कितनी सारी सब्जियां अपने छत पर गमलों में उगा लेता हूं। तो इनमें एक मेन समस्या होती है कि कुछ कमियों की वजह से हमारे पौधे जो हमने गमलों में लगा रखे होते हैं सीडलिंग, तो इनकी ग्रोथ अचानक से रुक जाती है। एक स्टेज पे पहुंचने के बाद इनमें ग्रोथ बंद हो जाती है या फिर बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। तो इसके पीछे कुछ मैं 6 कारणों पर बात करूंगा आज कि क्या वो कौन से 6 कारण हैं जिनकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। इससे पहले आप देखिए मेरे बैंगन के पौधे कितने बूसी हैं और ये गमलों में ही लगे हुए हैं, ग्रो बैग्स में, और इनमें अच्छी खासी ग्रोथ है और कॉन्टिन्यूस इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को जरूर दबा लें, बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला रीज़न होता है, जो पहली केयर होती है हमारे पौधे की ग्रोथ रुके ना, ग्रोथ चलती रहे, वो होती है कि हमें जो सॉयल मिक्स है हमारे पौधे के लिए, ग्रो बैग के लिए, वो कैसी बनानी चाहिए। तो सॉयल मिक्स आपको वेल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बनानी चाहिए, क्योंकि हम चूंकि ग्रो बैग्स में लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। अब ये देखिए 12 बाई 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, इसमें आपने मिट्टी भर दी है और इसमें जो पौधा आप लगाएंगे तो उस पौधे को इसी ग्रो बैग की मिट्टी पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो पौधे की ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो ये देख जिस जब आप जब भी आप सॉयल मिक्स बनाएं तो सॉयल मिक्स वेल न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, उसमें रिच न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिसके लिए आप सॉयल मिक्स बनाएं तो 30% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, 30% के आसपास आप कोकोपीट ले लें और 30% गार्डन सॉयल। इसके बचे हुए 10% में आप मस्टर्ड केक, नीम केक, बोन मील, सीवीड ग्रेन्यूल्स, इन सब का मिक्सचर यूज करें। ये फर्स्ट टाइम जब आप सॉयल मिक्स बना रहे होते हैं पौधे लगाने के लिए, तो आपको मिट्टी कम से कम 30% कंपोस्ट के साथ बनानी चाहिए। फिर दोस्तों, जो दूसरी चीज़ होती है पॉट सिलेक्शन। क्या होता है कि हर पौधे का अपना एक नेचर होता है कि किस पौधे की ग्रोथ के लिए कितनी मिट्टी चाहिए, कितनी उसकी रूट्स चलेंगी, कौन से पौधे के रूट बाउंड जल्दी होती है, ग्रोथ तेज होती है, तो उस हिसाब से हमें पॉट सिलेक्शन करना पड़ता है। आपको अगर टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी ये पौधे लगाने हैं तो आप 12 बाई 12 के गमले में, पॉट्स, ग्रो बैग्स में इनको लगा सकते हो। वहीं अगर हम इससे ऊपर चलते हैं तो जो भी हमारी बेल वाली क्रीपर्स सब्जियां हैं, जैसे लौकी, कद्दू, करेला, तरोई, तो इसके लिए फिर हमें पॉट बड़ा करना पड़ता है। जैसे कि ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है, तो इस ग्रो बैग में हम 1 से 2, 18 बाई 18 के ग्रो बैग में आप 2 से 3 पौधे भी लगा सकते हो क्रीपर्स। तो इस प्रकार हमें पॉट साइज का भी सिलेक्शन बहुत ही केयरफुल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने लौकी को 12 बाई 12 के गमले में लगा दिया है तो उसमें इनिशियल ग्रोथ तो आपको मिल जाएगी, पर एक स्टेज पे जाने के बाद इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, ज़्यादा फैलती हैं, तो एक स्टेज पे जाने के बाद फिर उसमें ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, और आप फिर अब पूरी मेहनत आपकी बेकार होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए पौधे के नेचर के हिसाब से हमें ग्रो बैग्स, पॉट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ जो दोस्तों है कि हमें जो प्लांट्स लगाने हैं वो सीजन के हिसाब से लगाने हैं कि किस सीजन में कौन से पौधे लगाए जाते हैं। अब जो विंटर सीजन है इसमें हमें वही पौधे लगाने हैं जो विंटर में सरवाइव करते हैं, विंटर में अच्छी तरह से फलते हैं। जैसे कि अभी बैंगन, मिर्च, टमाटर तो आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, जैसे प्याज है,
ये विंटर सीजन के लिए है, लहसुन प्याज है विंटर सीजन के लिए है, मटर है विंटर सीजन के लिए। मटर को अगर आप समर में निकाल उगाने को कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे ही आप जो लॉन्ग बरबटी होती है उसे विंटर में लगाने की कोशिश करोगे तो वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगी, हो सकता है सीडलिंग ही ना स्टार्ट हो। तो इस प्रकार आपको तीसरी जो चीज़ है कि हमें कौन से पौधे किस सीज़न में उगाने हैं तो उसी हिसाब से उसकी सीडलिंग्स तैयार करें और उसको लगाएं। अब चौथी जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, हमें पौधे जब हमारी एक इनिशियल स्टेज में होते हैं, हमने सीडलिंग करी है या फिर हमने पौध ले आके लगाई है, तो जब हमारे पौधे इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हमें उन्हें फिर उस समय तो वो ग्रोथ पकड़ लेते हैं, पर एक टाइम टाइम पे हमें उन्हें कंपोस्टिंग करते रहना चाहिए। जैसे कि ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, महीने महीने में दो बार कभी काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, तो कभी मैं सीवीड ग्रैनुअल्स, कभी मैं सरसों की खली की लिक्विड कंपोस्ट, इन्हें बदल बदल के जो भी आपके पास अवेलेबल हो महीने में एक से दो बार तो आप ज़रूर कंपोस्टिंग करें, या फिर आप इन सब का मिक्सर बना के आप कंपोस्टिंग करें। कंपोस्टिंग करने के लिए आप ध्यान रखें कि जो कंपोस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो हमें साइड की मिट्टी को थोड़ी हटा लेनी है, किसी टूल्स की मदद से मिट्टी थोड़ी थोड़ी हटा लें और फिर कंपोस्ट डालकर मिट्टी से फिर से ढक दें और फिर वाटरिंग कर दें। ऐसे क्या होगा कि जब हम कंपोस्ट जो भी डालेंगे वो मिट्टी के अंदर हो जाएगी और जब हम वाटर डालेंगे, वाटरिंग करेंगे, तो जो कंपोस्ट है वो गीली होकर रूट्स को डायरेक्ट मिलती रहेंगी। तो हमें चौथी जो केयर है कि हमें कंपोस्टिंग ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो पौधा या फिर वो इंसान ही क्यों ना हो, उनकी ग्रोथ में फ़र्क आने लगता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ और फ्रूटिंग फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब अगर चारों चीज़ें आपने कर ली, अच्छे से कर ली, उसके बाद भी आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके पीछे दो रीज़न और हैं, जिसमें पहला है वाटरिंग, कि आप वाटरिंग कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको आपकी भूख से कोई चीज़ ज़्यादा दी जाए तब भी वो नुकसान करेगी, और आपकी क्षमता के हिसाब से कम दी जाए तो भी आपकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें जब वाटरिंग करनी होती है, वाटरिंग भी हमें पौधे की नीड के हिसाब से ही देनी होती है। जैसे ये मिर्च के पौधे हैं हमारे, देखिए कितनी सारी मिर्च लगी हुई हैं इसमें, अभी पौधे मेरे एक से डेढ़ महीने के ही हुए हैं और इसमें मिर्च आप देख सकते हैं सभी पौधों में लग चुकी हैं। तो आपको वाटरिंग का ख्याल रखना है कि जब भी आपकी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो रही हो, एटलीस्ट एक से डेढ़ इंच ड्राई हो गई हो, जो मिट्टी उठाने पे हाथ में ना चिपके भुरभुरी होके निकल जाए, तभी आपको वाटरिंग करनी है। क्या करते हैं हम, चूँकि बिगिनर्स होते हैं गार्डनिंग में, हमें आते हैं हम अपने टेरेस पे, हमने एक तरफ से पानी उठाया और सभी गमलों में पानी उठा के डाल दिया, कुछ में वाटर की आवश्यकता होती है कुछ में नहीं। जैसे आप देखिए मिर्च के पौधे में मेरी वाटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और ये मेरी गुलाब के पौधा है इसमें देखिए ये मैंने मिट्टी खोदी और एक यूँ हाथ से रगड़ किया, बिल्कुल मिट्टी हाथ पे नहीं आ रही, तो अब इसमें हमें वाटरिंग करनी है। तो इन चीज़ों का भी आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है कि हमने आए छत अपने टेरेस पे और एक साइड से पानी उठाया, सभी पौधे में ज़रूरत हो ना हो सब में डाल दिया, तो इससे एक्स्ट्रा वाटर होने पे भी पौधे के रूट्स डैमेज होती हैं, रूट रॉट होता है उनको और उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, और जब वाटर कम होता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, आप वाटरिंग भी अच्छे से करते हो फिर भी आपके पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो जो सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न होता है वो होता है हमारे पौधे को पर्याप्त सनलाइट ना मिल पाना। क्योंकि आपने भी बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से धूप से ही उनकी पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। तो हमारे पौधों को धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, ग्रोथ अच्छी ग्रोथ करते हैं वो धूप की मदद से। तो आपको अपने सभी पौधों को इतनी केयर करनी है कि एटलीस्ट
चार से पाँच घंटे की धूप तो सभी को मिले, और कुछ पौधे जो सनलाइट की प्रेमी होते हैं, धूप प्रेमी होते हैं, उन्हें 8 से 10 घंटे की धूप भी मिलनी चाहिए। मैंने इस तरह से अरेंज किया है अपने टेरेस पे सभी प्लांट्स को कि एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तो धूप। देखिए अभी जो मेरे सबसे किनारे के पौधे हैं जिनमें अभी 1 घंटे बाद से धूप बंद होगी मिलना, इस पर अभी भी धूप आ रही है। तो आप सोचिए 3:30 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस पर धूप आ रही है, मॉर्निंग से धूप आ रही है, अभी भी आ रही है, और अब आधे घंटे बाद इन पर धूप पड़ना बंद होगी। तो जो धूप है ये हमारे पौधों के लिए अमृत होती है, तो इनको भी हमें इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे सारे पौधों पर धूप पड़ती रहे। एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की धूप तो हमारे पौधों को मिलनी ही चाहिए। हमें क्या लगता है कि हमने 1-2 घंटे की धूप में पौधों को रख दिया, और पौधों के लिए ये इंडोर प्लांट्स नहीं होते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं ये इंडोर प्लांट्स नहीं होते हैं, ये आउटडोर प्लांट्स हैं। ये धूप के बिना सर्वाइव करना इनका बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप ये ख्याल रखिए कि आपके पौधों को धूप भी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है या नहीं। अगर आप इन 6 बातों पर पूरी तरह से केयर कर लेंगे अपने पौधों की, तो आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपके पौधे आपके ग्रो बैग्स में बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, अच्छी फ्रूटिंग और फ्लॉरिंग आपको मिलेगी। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। आप सभी अपना प्यार इसी प्रकार हमें देते रहें, हम आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।